मेरा देश भर के मीडिया से एक आग्रह है कि काल्पनिक भय को आप इतना रिप्रेजेंट करते हो, 4 लाख लोग अपने परिवार अपनी मातृभूमि छोड़कर अपने ही देश के अंदर निराश्रित हो गए, उनको कभी रिप्रेजेंट करोगे आप, दिखाओगे आप? इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता क्योंकि ये सेक्युलरिज्म की व्याख्या में फिट नहीं होता है। अगर यही सेक्युलरिज्म है तो मैं ऐसे सेक्युलरिज्म को नहीं मानता। आप सीए के पक्ष के सारे फुटेज निकाल दीजिए और सीए के विरोध के सारे फुटेज निकाल दीजिए और ऑनेस्टली इसका इवेल्युएशन कर दिखाइए, 20 गुना ज्यादा लोग सीए के पक्ष में आए, मगर उन्होंने पत्थर नहीं चलाया, उन्होंने बस नहीं जलाई, उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक व्हील अपनी प्रदर्शित करी, मगर मीडिया उसी को कवर करेगा कि जहां कुछ चटपटी बातें होंगी, जहां बस जल जाएगी, जहां गाड़ी जल जाएगी, जहां किसी को थप्पड़ लग जाएगा, कहीं पुलिस ने डंडा चलाने लगेगा, तो फिर इस प्रकार से अन्याय होगा। लॉन्ग टर्म वीजा के लिए, लॉन्ग टर्म वीजा का मतलब है लंबे समय तक भारत में रहने की परमिशन, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से लोग आए हैं, इसमें हिंदू सिख के लिए, इसमें क्रिश्चियन भी नहीं थे, बौद्ध भी नहीं थे, जैन भी नहीं थे। 30 मार्च 1964 को गृह मंत्रालय ने हिदायत दी इन समुदायों को भारत में आराम से रहने दिया जाए। अगर गलत है तो क्यों? ये मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरी पार्टी कहीं दूर दूर तक पावर में नहीं। अब अगर ये सारी चीज कांग्रेस पार्टी करती है तो शुद्ध रूप से बिन सांप्रदायिक और सेक्युलर है, और यही सर्कुलर को भारतीय जनता पार्टी कानून में बदलती है तो हम कॉम्युनल है। पहली बात, कागज दिखना ही नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। आप इंफॉर्मेशन जो मुंह जवानी देनी है देन, किसी के डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगा एनपीआर में, ये तो गलत प्रचार है कांग्रेस पार्टी का। तो जो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, मैं तो कहता हूं मत दिखाओ भैया, दिखाना ही नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह जुबानी लिखा देना है। शर्जील इमाम की बात है जिन्होंने कहा कि 5 लाख लोग अगर आ जाएं तो चिकन नेक में बंद करके आसाम को काट सकते हैं और ये मुसलमानों को करना चाहिए। आपको लगता है कि ये एक इशू है जिसको उत्तेजित एटमॉस्फेयर में आता है और चला जाता है, या इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के लिए जरूर एक डेंजर है? देखिए, किसी ने भी इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आइदर और साइड से नहीं करने चाहिए, वो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होते। जहां तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। मैं 13 साल की आयु से राजनीति में हूं, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, जो मैं देश के लिए अच्छा समझता हूं वो ही मेरा है और इसी के लिए मैं राजनीति करता हूं। तो प्लीज आप इसमें से सारा पर्सनल निकाल दीजिए, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है नाविका जी, कुछ पर्सनल नहीं है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया 1980 में, तब हमारी 2 सीटें थी उसके बाद वाले चुनाव में, उस वक्त ज्वाइन किया था और सोच समझ कर ज्वाइन किया था, और आज मैं इतनी लंबी सफर कर यहां का, कुछ पर्सनल नहीं है। पर्सनल होता तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करती। हमारी एक प्रोफेसर हुआ करती थी इला शाह कर, अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, वो कहती थी कि भाई अच्छा बोल लेते हो, अच्छा सोचते हो, ये कहां पोस्टर लगाने वाली पार्टी में चले गए। उस वक्त हमें कहती थी और उस वक्त भी तय किया था कि जब तक जिंदा रहेंगे ये पोस्टर लगाने वाली पार्टी में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे।